Good morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. How are you all? I hope you all are fit and fine. Okay, children. In last class, we completed our chapter number first. Today, we are going to start our chapter number second. So, please take out your moral science books. Okay, children. So, our second chapter is Friendship. So please take out your books and open page number 8. In last class, we completed our chapter number 1st. Friendship. एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही moral वाली story है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की famous stories में से एक है. ठीक है? Friendship. The friendship of Algu Chaudhary and Jumnam Sheikh was a household example. ठीक है? एक friendship के बारे में ये बता रहे हैं. Friendship किसकी? अलगू चौधरी की और जुम्मन शेख की. जुम्मन वॉज़ ए स्टॉन्च मुस्लिम. जो जुम्मन था वो बहुत ही कट्टर मुस्लिम था. एंड अलगू वॉज ए पक्का हिंदू. और अलगू क्या था? एक पक्का हिंदू था. बट दे थॉट ऑन द सेम वेव लेंथ. लेकिन ऐसा नहीं कि वो मुस्लिम थे और वो हिंदू थे तो वो अलग अलग सोचते थे. उनकी सोच एक जैसी थी. खाला जान वॉज जुम्मन्स आंट. खाला जान कौन थी? जुम्मन्स की आंट थी, यानी कि मौसी थी. He was much attached to her as she had no other near relative than him. क्यों? वो जुम्मन से, जो जुम्मन थे खाला जान, उनसे बहुत अटैच थी. क्यों? क्योंकि खाला जान के कोई और रिलेटिव नहीं थे. She in a fit of affection transferred her property in जुम्मन's name. तो इस affection के चलते उन्होंने क्या किया? उनकी property किसके नाम कर दी? जुम्मन के नाम कर दी. जुम्मन्स वाइफ ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हर विद ग्रेट अफेक्शन एंड केयर. जो जुम्मन्स की वाइफ थी वो भी खाला जान का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी. देन सडनली हर माइंड चेंज टूवर्ड खाला जान. लेकिन थोड़े ही टाइम में उनका जो जुम्मन्स की वाइफ थी उनका माइंडसेट चेंज हो गया टूवर्ड्स खाला जान. एंड इट ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ जुम्मन ऑल्सो. और जुम्मन का भी एटीट्यूड चेंज हो गया. एज टाइम पास डियर बिहेवियर वर्ज ऑन एरोगेंस टूवर्ड्स हर. धीरे धीरे जो उनका बिहेवियर है और भी ज़्यादा ख़राब होता गया, एरोगेंस होता गया उनमें. स्पेशली ऑफ कारीमन, जुम्मन्स वाइफ. और स्पेशली किसका बिहेवियर और ख़राब हो गया? कारीमन का, जो कि जुम्मन की वाइफ थी. नॉट ओनली दिस, शी स्टार्टेड टॉन्टिंग हर. और यही नहीं, जो जुम्मन्स की वाइफ थी उन्होंने खाला जान को टॉन्ट करना भी स्टार्ट कर दिया. और उनको दो टाइम का खाना भी खुशी खुशी नहीं देती थी. ठीक है? एंड डिडंट गिव हर मील टू टाइम्स ग्लैडली. शी वॉज वन डे फोर्स टू टेल जुम्मन टू पे हर मंथली अलाउंस एज शी वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट एंड नियर पॉसिबल टू लिव विद दैम. तो एक दिन वो मजबूरी में आके उन्होंने जुम्मन से कह ही दिया कि तुम मुझे मंथली अलाउंस यानी कुछ महीने के पैसे दे दिया करो, क्योंकि अब ये उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था कि वो उनके साथ रह सके. जो खाला जानती वो अब जुम्मन और उनकी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्यों? वो उनके साथ ऐसा बिहेवियर करते ही नहीं थे. शी मेंट टू रन अ सेपरेट किचन फॉर हर सेल्फ. तो वो चाहती थी कि वो खुद का एक अलग किचन कर लें. When Jumman showed his inability to accede to her request, she became angry and threatened to call a panchayat. ठीक है? जब जुम्मन ने कहा कि नहीं, मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है कि मैं आपको मंथली अलाउंस दे सकूं, तो उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट नहीं मानी. तो वो गुस्सा हो गई और उन्होंने क्या धमकी दी कि मैं पंचायत को बुलाऊंगी. तो जुम्मन ने क्या कहा इस पे? प्लीज़ डू बाय ऑल मीन्स, सेड जुम्मन एज ही वॉज ऑल्सो इरीटेटेड बाई दीज डेली बिकरिंग्स. मतलब जुम्मन ने कहा कि ठीक है, जो करना है करो. क्यों उन्होंने, जुम्मन ने ये क्यों कहा? क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे इन डेली के फालतू की चीज़ों से. जुम्मन वॉज कॉक्स्योर ऑफ विनिंग द डे एट द पंचायत. जुम्मन जो थे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वो पंचायत में जीत ही जाएंगे. इफ़ एंड वैन इट केम टू दैट. और जब भी वो दिन आएगा कि पंचायत बैठेगी तो वो पंचायत में जीत ही जाएंगे. ही थॉट दैट नो वन हैड द टेमिरिटी टू गो अगेंस्ट हिम. तो वो सोचते थे कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है. वो खुद में इतना कॉन्फिडेंस रखते थे कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई वो इनके अगेंस्ट जा सके. इफ़ इट केम टू टेक साइड्स बिटवीन हिम एंड हिज आंट. अगर मौका आया कि उनके उनमें से या उनके आंट में से किसी को चूज़ करना पड़ा पंचायत को, तो वो जुम्मन को ही चूज़ करेगी. इतना जुम्मन को कॉन्फिडेंस था खुद के ऊपर.
ओल्ड खाला जान moved from one village to the other for several days garnering support for her case. ठीक है, जो बूढ़ी खाला जान थी वो एक गांव से दूसरे गांव कुछ दिनों तक जाती रही ताकि वो कुछ लोगों को अपने सपोर्ट में गैदर कर सके, इकट्ठा कर सके. At last she went to Algu and pleaded him to be present on the day of panchayat was to be held. At last वो किसके पास गई? Algu के पास, और उनसे विनती करी कि आप पंचायत में आओ, जिस दिन पंचायत बैठे आप वहाँ पर प्रेजेंट हो. तो ही agreed ऑन द कंडीशन दैट ही वुड रिमेन अ साइलेंट स्पेक्टेटर एज जुमंस वॉज हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड. तो उन्होंने एक कंडीशन पे कहा कि एक कंडीशन पे ही मैं पंचायत में आऊँगा अगर तुम मेरी ये शर्त मानो. और Algu की शर्त क्या थी? कि मैं एक साइलेंट स्पेक्टेटर यानी कि चुपचाप देखूँगा क्योंकि जुम्मन मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं. तो खाला जान ने कहा, खाला जान आस्क Algu वाई, खाला जान ने पूछा क्यों? इज़ योर फ्रेंडशिप मोर सैकोसेंट दैट योर इंटीग्रिटी, क्या तुम्हारी फ्रेंडशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे मॉरल प्रिंसिपल से ज़्यादा कि तुम्हें खुद को कुछ सही गलत लगेगा तो भी तुम नहीं बोलोगे? खाला जान ने ये कहा. ठीक है, फिर क्या हुआ? द पंचायत दे अराइव्ड, पंचायत का दिन आया. शी नरेटेड हर टेल्स टू बोस टू दोज assembled and declared that she would abide by the panchayat's verdict. पंचायत का दिन आया और उनसे क्या वो करवाई गई, क्या शपथ दिलवाई गई कि जो भी पंचायत का verdict होगा, जो भी पंचायत बोलेगी वो उनको मानना पड़ेगा. रामधन मिश्रा wanted to settle his score with Jumman. He said, whom do you want to appoint a panch Jumman? रामधन मिश्रा ने कहा जुम्मन से कि कहो तुम किसको अपना पंच बनाना चाहते हो जुम्मन. तो जुम्मन ने क्या कहा? लेट खाला जान चूज़ द सरपंच एज शी आस्क्ड फॉर ए पंचायत. तो जुम्मन ने कहा कि खाला जान को पहले चूज़ करने दो कौन सरपंच होगा क्योंकि उन्होंने ही पंचायत बुलाई है. वो गुस्से में कहा जुम्मन ने. खाला जान स्ट्रेस्ड, खाला जान टेंशन में आ गई. मेम्बर्स ऑफ ए पंचायत आर नो वंस फ्रेंड और एनिमीज, जो मेंबर के पंचायत के जो मेंबर्स थे वो ना ही कोई उनका दोस्त था और ना ही कोई दुश्मन. इफ़ यू डू नॉट ट्रस्ट एनीवन एल्स यू ट्रस्ट Algu पंडित डोंट यू? शी एम्फेसिस्ड, वेल लेट Algu बी माय सरपंच शी सेड. ठीक है, जुम्मन ने कहा कि तुम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती तो Algu पंडित पे तो ट्रस्ट कर ही सकती हो. तो उन्होंने कहा ठीक है, Algu ही मेरे सरपंच होंगे. जुम्मन वॉज डिलाइटेड इन हिज हार्ट टू हार्ट, मतलब मन ही मन में वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे जुम्मन. ही कूडेंट आस्क फॉर अ बेटर चॉइस, क्योंकि इससे अच्छी चॉइस कोई हो ही नहीं सकती थी. बट टू शो हिज अनकंसर्न ही सेड, हाउ डज़ इट मैटर इफ इट बी रामधन और Algu. लेकिन उन्होंने ऐसे ही कहा अनकंसर्न दिखाने के लिए कि हाँ मैं इस बारे में कंसर्न नहीं हूँ कि मेरा फ्रेंड सरपंच का पंच घोषित हुआ है. तो उन्होंने कह दिया कि क्या फ़र्क पड़ता है चाहे रामधन हो या Algu. ठीक है, एट दिस Algu सेड, खाला जान यू नो जुम्मन इज़ माई फ्रेंड. तो Algu ने कहा खाला जान जैसा कि आप जानती हैं जुम्मन मेरे दोस्त हैं. बट खाला जान रिपोजिंग हर फेथ इन हिम सेड, तो खाला जान ने खुद का विश्वास बनाए रखा और कहा अ पंच इज़ अबाउ फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, एक पंच जो है दोस्ती और दुश्मनी से ऊपर होता है. इट इज़ गॉड दैट स्पीक्स थ्रू अ पंच, एक ही भगवान होते हैं जो कि पंच की तरह बोल रहे होते हैं. Algu आफ्टर बीन अपॉइंटेड सरपंच एड्रेस जुम्मन, तो Algu जो है सरपंच अपॉइंट हो गए. फिर उसके बाद में क्या हुआ? यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तो उन्होंने जुम्मन से कहा कि मैं और तुम एक पुराने दोस्त हैं, ओल्ड फ्रेंड्स हैं. वी हैव ऑलवेज बीन हेल्पफुल टू ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे की हमेशा हेल्प करते हैं. बट बिफोर द पंचायत खाला जान एंड यू आर इक्वल, लेकिन पंचायत के सामने खाला जान और तुम दोनों मेरे लिए इक्वल हो. यू आर एट लिबर्टी टू प्लीड योर केस एज यू वॉन्ट, तुम्हें पूरी तरीके से लिबर्टी है कि तुम जैसे चाहो अपने केस को रख सकते हो. जुम्मन डिड नॉट टेक Algu's impartial posture सीरियसली, तो जुम्मन ने सोचा कि ये तो ऐसे ही बोल रहा है सबको दिखाने के लिए, उसने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, इस पॉस्चर को सीरियसली नहीं लिया. बट ही स्टिल एड्रेस द पंचायत ग्रेसफुलनेस इन क्वेश्चनिंग. ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर भी पंचायत के सामने अच्छे से उनसे क्वेश्चनिंग की. Algu पॉइंटेड क्वेश्चन एड्रेस टू जुम्मन वर टू शिव द ट्रुथ फ्रॉम द अनट्रुथ,
तो अलगू ने जुम्मन से कई क्वेश्चन किए ताकि उन्हें सच का पता लग सके, बट जुम्मन थॉट दैट अलगू वॉज बिन अपॉन ज्वाइनिंग देयर फ्रेंडशिप। तो जुम्मन ये सोचने लगा कि जो अलगू है वो हमारी फ्रेंडशिप को बेकार कर रहा है। व्हेन अलगू अनाउंस द पंचायत वर्क, जब अलगू ने क्या किया, पंचायत का फैसला सुनाया, तो उन्होंने क्या कहा, जुम्मन द पंचायत आफ्टर केयरफुली एग्जामिंग द पॉइंट्स, जुम्मन जब पंचायत ने सारे पॉइंट्स देखे केयरफुली अच्छे से उनको एग्जामाइन किया, जो भी तुमने रखे और तुम्हारी खाला जान ने रखे, हैज़ कम टू द कंक्लूजन दैट यू मस्ट गिव खाला जान ए मंथली मेंटेनेंस अलाउंस। तो हमें ये समझ आया कि तुम्हें तुम्हारी खाला जान को क्या देना चाहिए, मंथली अलाउंस देना चाहिए। यू कैन अफोर्ड टू पे हर आउट ऑफ द प्रॉफिट्स यू गेट फ्रॉम हर प्रॉपर्टी, अगर तुम्हारे पास नहीं है पैसा तो तुम उसमें से दो जो कि तुम्हें इनकी दी हुई प्रॉपर्टी में से प्रॉफिट मिलता है, और अगर तुम सोचते हो कि उसमें से इतना इनफ प्रॉफिट नहीं आता है देन तुम इसके लिए फ्री हो कि तुम उनको उनकी प्रॉपर्टी वापस रिटर्न कर सकते हैं, यू आर एट लिबर्टी टू रिटर्न हर प्रॉपर्टी। ओके चिल्ड्रन, सो फॉर टुडे योर होमवर्क इज़ यू हैव टू रीड द चैप्टर, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।